हेलो एवरीवन, हाय। आज हम करने वाले हैं मार्स के न्यू लिप बाम का रिव्यू। मेरे पास यहाँ पे सारे कलर हैं, बस एक कलर को छोड़ के जो लाइट कलर है 03, सो मेरे पास वो नहीं है। वो तो मेरे पास यहाँ पे सारे कलर हैं, तो हम इन सब का रिव्यू करने वाले हैं। एंड जो लिपस्टिक मैंने अब लगाई हुई है या जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने अब यूज़ करे हुए हैं, उनकी डिटेल्स भी आपको नीचे मिल जाएगी और इनका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो आप करते हैं स्टार्ट। सो आउटर पैकेजिंग दिखती है कुछ ऐसी। ये है मार्स की एक्वा टिंटेड लिप बाम। इसके अंदर आपको शेयर बटर, विटामिन सी, जोहोबा ऑयल एंड कोको एक्सट्रैक्ट मिल जाते हैं। इंग्रीडियंट्स लिप्स को हाइड्रेट करते हैं। इसकी इनर पैकेजिंग दिखती है कुछ ऐसी। काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है एंड पैकेजिंग काफ़ी सही है। बस मुझे हल्की सी चीप ना ऐसे लगती है कि निकल ना जाए, बट ऑल दो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। स्वॉचेज ऑफ ऑल द लिप बाम्स, शेड नंबर 1, शेड नंबर 2, शेड नंबर ऑफ शेड नंबर 2 एंड शेड नंबर 5। सो ये 5 जो है वो इसी का डीपर वर्जन है विद द हिंट ऑफ अ ब्राउन, एंड दोनों एक जैसे ही लगेंगे लिप्स पे लगाने के बाद में अपेरेंटली। सो दिस इज द शेड, हाउ दिस शेड लुक्स। बेसिकली सारी शेड एक दूसरे से अलग हैं, बस दो शेड हैं जो आपस में थोड़ी सी आइडेंटिकल है, शेड नंबर 2 एंड शेड नंबर 5। सो अगर आपको डीपर वर्जन पसंद है तो आप हल्का सा शेड नंबर 5 की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको हल्का सा रेडिश ब्राउन विद अ हिंट ऑफ रेड पसंद है तो आप 2 की तरफ जा सकते हैं। सो सबसे पहले स्वॉच करते हैं हम शेड नंबर 1। तो यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग भी है एंड देन सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग भी है। तो जैसे कि ये शेड है 01 पैशन फ्रूट। सो इसकी पैकेजिंग दिखती है कुछ इस तरीके की, जैसा मैंने आपको बताया। लिप बाम है, हम उन्हें बिना लिप लाइनर के एंड बिना लिप्स को कंसील करें सिर्फ इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। देखेंगे इनका टिंट कैसा है, कलर कैसा है, और मैं आपको कर देती हूँ जूम इन जिससे आप अच्छे से देख पाए। डेफिनेटली इट्स अ वेरी प्रिटी कलर, बट ऑल दो जितना ज़्यादा ये ब्राउन लग रहा है पैकेजिंग में उतना नहीं है। इट्स सम हाउ वेरी बाबी पिंक बट द हिंट ऑफ अ ब्राउन, इस तरीके का कलर है ये, जैसे कि आप खुद भी देख रहे हो। इतना जो पैकेजिंग पे है वो नहीं लग रहा, मतलब आउटर कैप का कलर है वो कलर इससे मैच कर रहा है, बट लिप्स पे इतना मैच नहीं कर रहा। हल्का सा पिंकिश टिंट है जो इसे जो इसके ब्राउन कलर को दबा रहा है, मैं ये बोल सकती हूँ। एंड देन सेकेंडली प्राइस है 129 रुपीज़ एंड ये 8 शेड्स में अवेलेबल है। एंड या फर्स्ट कलर कुछ ऐसा दिखता है। नाउ ओपन शेड नंबर 2 एंड लाइक यू कैन सी दीज आर रियली हाइड्रेटिंग। एंड नाउ हम अब इसे रिमूव करते हैं और देखते हैं इसका टिंट कैसा है। फर्स्ट वाली लिप बाम का टिंट देखते हैं कैसा है। सो लाइक आई टोल्ड यू, वेरी प्रिटी बेबी पिंक टिंट जो लिप्स पे रह जाता है। यू कैन सी दैट वेरी प्रिटी बेबी पिंक टिंट विच आई रियली लव वेल, क्योंकि मुझे लगता है पिंकिश कलर एक ऐसा है टिंट का रह जाना जो आपके चेहरे को ना काफ़ी ब्राइटन अप करता है एंड हर किसी पे अच्छा लगता है। किसी किसी के लिप्स देखने में आपने नेचुरली पिंक होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके का नेचुरल पिंक। शेड नंबर 2 सच अ प्रिटी शेड, ग्लाइड्स लाइक बटर, हाइड्रेट योर लिप्स। ये उन लिप बाम की तरह नहीं है जो ऊपर ऊपर रह जाती हैं, रियली हाइड्रेटिंग। शेड नंबर 2 इज वेरी ब्यूटिफुल ब्लडी रेड विद अ हिंट ऑफ अ ब्राउन एंड I really love it. Like, look at that. It looks so freaking beautiful. इस मेकअप लुक के साथ भी जा रहा है, न्यूट्रल के साथ भी जाएगा। मतलब मैं इसे देख रही हूँ कि मैं इसे काफ़ी ज़्यादा पहनने वाली हूँ। I really love it. It's like a maroon type of a lip tint, which I really love. Like, मैंने कभी इस तरीके का कलर पहना नहीं है, but apparently I really love. And जैसा मैं आपको बता रही थी, सबका जो टिंट है, जो लीव इन टिंट है, वो पिंक ही है। Like, you can see that. Well, it's a very pretty pink. Like, it's not like a movie pink. It's
मोर लाइक अ वॉर्म पिंक, लाइक अ बनी टंग पिंक, ये बिल्कुल वही है। एंड आप देख रहे हो मैंने लगा लिया, निकाल लिया, माई लिप्स लुक्स प्रिटी। सो अगर ये लिप टिंट निकल, अगर ये लिप बाम चली भी जाएगी उसके बाद में आपके लिप्स पे टिंट रह जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आप इसे मेकअप से पहले लगा सकते हो, उसके बाद में लिपस्टिक लगाओगे तो उसके अंदर ये टिंट रहेगा। आई डोंट हैव शेड 3, सो लेट्स कंटिन्यू विद 4। एंड ये जो टिंट है ये आपके लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक लॉन्ग लास्ट करता है, लाइक एज कंपेरिजन टिंट लाइक फेस शॉप के टिंट से लॉन्ग लास्टिंग है, इतना मैं कह सकती हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने लगाया था काफ़ी लॉन्ग लास्ट किया था, लाइक मोर देन 3 to 4 hours। सो या अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाते हो तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेड 4। यू सी द ब्यूटिफुल शीन, लाइक दे आर ग्लॉसी बट दे आर इन अ बाम फॉर्म, वेरी लाइट वेट एंड जस्ट हाइड्रेट योर लिप्स डीपली। वेल आई रियली लाइक दैम, अकॉर्डिंग टू द प्राइस लाइक 129 rupees, they are quite a good quality lip tint. After applying 3 lip balms, you see that my lips is like pink. So अभी मुझे पता नहीं है कलर कैसा दिखेगा, बट यार दे आर क्वाइट पिंक। एंड जबकि मैंने रिमूवर से रिमूव किया, लाइक लाइट रिमूवर से रिमूव किया। नाउ शेड 5 एंड इट लुक्स सो प्रिटी, बट 5 लुक्स रियली प्रिटी। It's like a chili reddish shade which look really beautiful. Like I told you in a starting, अगर आपको थोड़ा deeper, अगर आपको थोड़ा सा deeper red पसंद है तो आप 5 की तरफ जा सकते हैं shade number, और अगर आपको उसी का ही हल्का सा lighter version लेना है तो आप 2 की तरफ जा सकते हैं। Both are in similar category warm brown with a hint of a red, basically. Now the shade 6, जो कि बिल्कुल ही अलग है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, मुझे सिर्फ एक कमी लग रही है इनमें कि जो इनका जो टिंट है ना, लाइक जो पिंकिश टिंट है जो लिप बाम के साथ है, कि मतलब लिप्स को आपको पिंक कर दे और ऊपर से जो कलर दे, जो इनका लीव इन टिंट है ना वो इतना ज़्यादा है कि उसने जितनी भी लिप बाम है उसके कलर को ना ओवर पावर कर दिया है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि लाइक यू कैन सी, मैंने 06 लगाया हुआ जो कि ब्राउन है, बट यू सी ऑन माई लिप्स ये अंदर से पिंक आ रहा है। सो लिप्स जो है ना वो बेसिकली पिंक लग रहे हैं, ना कि ब्राउन लग रहे हैं। सो मैं यहाँ पर क्लेंजिंग बाम से अपने लिप्स को क्लियर कर रही हूँ, एंड लाइक यू कैन सी इसका जो टिंट है वो अभी भी है। सो जो इसका लिव इन टिंट है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, सो यू कैन सी दैट। बट पिंक है जो कि जो एक्चुअल लिप का कलर है उसे थोड़ा सा ओवर पावर कर रहा है किसी किसी शेड में, जैसे कि इस कोको शेड में। तो अब मैं इसे क्या करूँगी, मैंने इसे फाउंडेशन से कंसील करूँगी अपने लिप्स को, एंड उसके बाद में इसे लगाऊंगी। या नाउ दे आर प्रिटी ब्लैंक, नाउ लेट मी अप्लाई द शेड 6 वंस अगेन। यस नाउ इट्स लुकिंग ब्राउन। Much better. मैं अब इसका एक्चुअल कलर देख पा रही हूँ, इट्स अ वेरी प्रिटी न्यूड ब्राउन शेड। 07 इज वेरी प्रिटी रेड कलर, बट लाइक इसके अंदर पिंक टिंट है तो ये एक्चुअली रेड नहीं दिख पा रहा है, ये थोड़ा रानी कलर टाइप का लग रहा है। वेल इसका जो लिव इन पिंक टिंट है ना वो इनके लिए हर शेड में प्रॉब्लम हो गया बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो। क्योंकि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी आप इसमें सारी शेड मत लेना, एक शेड ले लो आपके लिए काफ़ी है। शेड नंबर 8 एक्चुअल चिली, रेड चिली कलर। यस सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, हल्के हल्के, इसकी हल्की सी बबल गम टाइप की है, लीची की हल्की सी लीची टाइप की है। ओके लिप्स पे शेड नंबर लास्ट की दोनों सिमिलर सी लग रही है। लेट मी शो यू, मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ एक कलर की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा कलर मत लेना। ओके मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ शेड नंबर 8। ओके यू सी दैट पिंक कलर, 8 का
एक का जो टिंट है वो एक्चुअली टिंट है इस पूरी लिप बाम का। ओके, अब मैं तुम्हें यहाँ पे पहन के दिखाती हूँ शेड नंबर 7, बिल्कुल साइड बाय साइड। सीधा, यू सी एनी डिफरेंस? नो, बिकॉज जो इसका पिंक लीव इन टिंट है उसने इस कलर को दिखाने नहीं दिया। सो हियर इज द रिव्यू ऑफ ऑल दीज लिप बाम, लिप टिंटेड लिप बाम फ्रॉम मास कॉस्मेटिक्स। प्राइस इज 129, लाइक आई टोल्ड यू, वेरी अफोर्डेबल। बट क्या तुम्हें इसमें मल्टीपल शेड्स की ज़रूरत है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं। हैंड पे स्वॉच अलग है, बट जब आपके लिप अब्जॉर्ब करते हैं उसका अपना एक अलग टिंट है इनका, जो कि पिंक टिंट है, सभी का पिंक टिंट है। तो एंड ऑफ द डे जितनी भी लिप बाम है वो थोड़ी सी पिंकिश टोन में ही आ जाती है। तो इवेंचुअली इनका जो पैकेजिंग वाला कलर है वो सिर्फ इनका ऊपर ग्लॉसी सा कलर है, टिंट इनका पिंक है तो वो इतना नहीं दिख पा रहा है। सो विच आई रियली डोंट लाइक, मुझे अच्छा लगता अगर ये एक्चुअली, चाहे ये टिंट नहीं देती, चाहे लीव इन टिंट नहीं देती, बट ये अगर ब्राउन है तो ये ब्राउन नहीं होती, लाइक जैसे ग्लॉसी लिप बाम्स होती हैं उस तरीके की, बट ये वैसी नहीं है। बट ऑल्दो आई रियली लाइक दैम, दे आर इन अफोर्डेबल कैटेगरी। बट क्या मुझे इन 8 शेड्स की ज़रूरत है? नहीं, मुझे सिर्फ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 शेड की ज़रूरत है, एक वॉर्म एंड एक न्यूट्रल, बस इससे ज़्यादा नहीं। सो या जब लो तो ध्यान से लेना। एंड ये लिप बाम आपके लिप्स को काफ़ी देर तक हाइड्रेट रखती है, जैसे कि वैसलीन या कोई अदर लिप बाम करती है, एंड ऊपर ऊपर से नहीं डीपली हाइड्रेट करती है, विच आई रियली लाइक, बिकॉज मुझे वो लिप बाम बिल्कुल पसंद नहीं है जो ऊपर ऊपर ही रह जाए और आपके लिप्स में अब्जॉर्ब ना हो, तो काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब होती हैं। एंड आई रियली लाइक दैम हाइड्रेशन पॉइंट से, आई रियली लाइक दैम। बट फॉर द कलर आई विल रिकमेंड यू बाय 1 or 2 कलर, दैट्स इट।